परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम मैं आपके ध्यान को चार खास लोगों की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जिनके विषय में चार खास लोगों के विषय में प्रभु यीशु के चलते हुए उन चार खास लोगों के विषय में बाइबल में लिख दिया गया। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में पैदा हुए तो बड़ी सामर्थ के साथ पैदा हुए, बड़ा अभिषेक था यीशु मसीह में। और प्रभु यीशु जब इस दुनिया में चल रहे थे, संसार के अंदर चल रहे थे, तो बाइबल यूं कहती है एक जगह पर यीशु पहुंचे और प्रभु यीशु जब उस जगह पर पहुंचे और नाव से नीचे उतरे तो एक व्यक्ति दौड़कर यीशु के सामने आया। बाइबल कहती है यदि आप मरकुस 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा है प्रभु यीशु नाव में से उतरे, एक व्यक्ति यीशु के सामने आया और यीशु सामर्थ्य से भरे हुए थे, प्रभु यीशु अभिषेक से भरे हुए थे, प्रभु यीशु शांति से भरे हुए थे, प्रभु यीशु छुटकारे से भरे हुए थे, प्रभु यीशु आनंद जय से भरे हुए थे और वो व्यक्ति दुष्ट आत्मों से भरा हुआ यीशु के सामने आया। जब वो यीशु के सामने आया तो प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा और जैसे प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा, देखते ही वो दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, हमें पीड़ा क्यों देता है, हमें क्यों दुख देता है। क्या यीशु दुख दे रहे थे, क्या यीशु उसे मार रहे थे? नहीं, यीशु केवल खड़े थे लेकिन उसके अंदर रहने वाली इवल स्पिरिट, बुरी आत्माएं चिल्लाने लगी और कहती है तू हमें पीड़ा क्यों देता है, क्यों हमें दुख पहुंचाता है। और तुरंत यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है, और दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर बोलने लगी सेना। क्या उन्होंने किसी आदमी का नाम बोला, क्या उन्होंने किसी कस्बे का नाम बोला? नहीं, उन्होंने बोला सेना। और यीशु ने नहीं पूछा कौन से राजा की सेना हो, यीशु ने वहां पर सवाल नहीं पूछा तुम कौन से राजा की सेना हो, तुम कौन सी जगह की सेना हो, क्योंकि यीशु जानते थे ये शैतान की सेना है। इसलिए यीशु ने कहा मेरे भाई के जीवन को छोड़ दो। उस व्यक्ति का विश्वास था कि यदि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं इन बुरी आत्माओं से बचा लिया जाऊंगा। और जैसे वो व्यक्ति उस सामर्थ के सामने जाकर खड़ा होता जो बचाती है, जैसे वो व्यक्ति उस सामर्थ के सामने जाकर खड़ा हुआ जो उसके लिए इस दुनिया में पैदा हुआ था, हालेलुया, जैसे वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ जिसने अनोखे अनोखे काम किए थे, जैसे वो उसके सामने खड़ा हुआ उसके अंदर के भूत प्रेत यीशु को देखकर प्रकट हो गए। और प्रभु यीशु ने कहा मेरे भाई के जीवन को छोड़ दे, और दुष्ट आत्माएं उसे छोड़कर चली गई और वो व्यक्ति चंगा हो गया। ये पहला व्यक्ति है। नंबर दूसरा व्यक्ति बाइबल कहती है यदि आप लूका 5वां अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पास आता है, पूरा कोढ़ से भरा हुआ था, पूरे कोढ़ से लथपथ था, वो कोढ़ से पूरा लबालब भरा हुआ था, पूरे शरीर के ऊपर उसके कोढ़ी कोढ़ था, सिर से लेकर पैरों तक वो कोढ़ी था। और बाइबल कहती है अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, पुराने समय में जिस व्यक्ति को कोढ़ होता था उसको अशुद्ध माना जाता था। जब कभी कोई कोढ़ी किसी जगह से निकलता था तो वो कोढ़ी अपने मुंह के ऊपर कपड़ा घेर कर और वहां से निकलता था क्या बोलते हुए, अशुद्ध 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 अशुद्ध, और लोग दूर से पहचान लेते थे कोई आ रहा है। लेकिन यही व्यक्ति जब सुनता है यीशु आया है, जैसे ही ये व्यक्ति सुनता है वो सामर्थ से भरा हुआ यीशु आया जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वो सामर्थ से भरा हुआ यीशु आया है जो कोढ़ियों को आजाद करता है बीमारी से,
दुख से मुसीबत से जैसे इस कोड़ी को पता लगा ये कोड़ी अशुद्ध 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 बोलते हुए यीशु के पास नहीं आया, परंतु ये कोड़ से भरा हुआ यीशु के पास आया और यीशु से आने बोला, प्रभु जी यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कहां तो कोड़ी रोज बोलता था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, लेकिन एक व्यक्ति को देखकर वो क्या बोलने लगा, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, उसके विश्वास को देखकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती वो तुरंत शुद्ध हो गया, वो तुरंत चंगा हो गया, वो तुरंत परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। यीशु के पास शरीर था, यीशु एक शरीर को लेकर चल रहे थे, यीशु के पास बॉडी थी, एक बॉडी को लेकर चल रहे थे, उस बॉडी के अंदर सामर्थ पाया गया था, उस बॉडी के अंदर सामर्थ को स्थापित किया गया था परमेश्वर की ओर से। और उस सामर्थ को देखकर दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए व्यक्ति के अंदर ललक उठी, मैं भी अपना छुटकारा ले लेता हूं। उस सामर्थ को देखकर कोड़ी व्यक्ति के अंदर भी ललक उठी, मैं भी अपनी चंगाई को ले लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 साल से एक औरत जिसका रक्त बहता था, जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत धनवान थी वे औरत, और उस औरत के लगातार ब्लीडिंग होती रही, लगातार खून बहता रहा 12 साल तक। मेरे पीछे बोलिए, कितने साल तक? 12 साल तक खून बहता रहा, और वो अलग अलग वैद्य के पास गई, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गई, अलग अलग जगहों पर गई, उसने होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक उसने हर प्रकार की मेडिसिन को यूज किया, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसको मालूम हुआ एक यीशु है, एक दिन उसको मालूम हुआ एक यीशु नाम का व्यक्ति है, एक दिन उसको सुनाई दिया एक यीशु नाम का व्यक्ति है। और उसके पास कुछ लोग आए, लोगों ने पूछा, क्या तेरे पास कुछ पैसा है, हम तेरा इलाज करवाते? ना, अब तो पैसा नहीं रहा मेरे पास। जब तक पैसा था तब तक चाचा ताए मामा फूफा सब रिश्तेदार साथ खड़े थे, चाची चिंता ना करी, तू टेंशन ना करी, असी तेरे नाल खड़े हैं। चाचा है, चाची ताई मासी, तू चिंता ना करी, तेरे मुंडे तेरे नाल खड़े हैं। लेकिन जब तक चाची दे कोल ताई दे कोल पैसा सी, तद तक सारे नाल सी। ज्यों ज्यों मासी दा चाची दा ताई दा पैसा खत्म होता गया, सारे बंदा ने मुंह ही मोड़ लिया। चाची जाके कहंदी, मेरा इलाज करवा, आज भी ब्लीडिंग हुई सी, आज भी मेरा खून बहा सी, मैनू किसे डॉक्टर दे कोल लेके जाओ, मैनू किसे वैद्य दे कोल लेके जाओ। चाची नु पूछण लगा, तेरे कोल पैसा है? चाची ने कहा, ना, हुण तां सारे बैंक बैलेंस खाली हो चुके ने, हुण मैं की करां, कोई मेरा साथ नहीं देंदा, कोई मेरी मददगार मैनू नहीं मिलता, मैं की करां, कित्थे जावां, किहदे कोल जावां, कौन मैनू आराम देगा? भीड़ दे विच हो सकदा कोई बंदा निकल के आया होवे, आके कहंदा होवे, मेरी भैण तू चिंता ना कर, मैं इक बंदे नू जानदा हां, ओह तैनू फ्री च चंगा करन दी ताकत रखदा है, ओह तैनू फ्री च चंगा कर देगा, तैनू छुटकारा देगा। जब तक साडी जेब च पैसा हुंदा है सानू फोर्टिस हॉस्पिटल दिखदा है। कौन कौन मेरे नाल है? हां या ना? और जे पैसा ना होवे, जिन्नी थोड़ी चादर होंदी है तुसीं उसे चादर दे मुताबक सोचदे हो, जिन्ना का पैसा होएगा उस मुताबक सोचोगे। जिदी जेब च होटल वर्गे पैसे ने, ओ कहंदा जी होटल दसो कित्थी है या नहीं, और जिदी जेब च होटल वर्गे पैसे नहीं है ओ कहंदा जी इत्थे है कि नहीं कुछ रहण दा, कोई सस्ती जी जगह मैनूं दस दो जी, चीप ते बेस्ट। वो औरत जैसे ही सुनती है एक है वो तुझे चंगा कर सकता है, वो पैसे नहीं लेता, वो तो लोगों का दिल ले लेता है। वो पैसा नहीं लेता,
वो तो लोगों का कन्फेस लेता है, अंगीकार लेता है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो उद्धार करता है। तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय छुटकारा पाएगा, तू निश्चय मुक्ति प्राप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब यीशु के पास आया तो मैंने पैसे देकर चंगाई नहीं ली, 3 साल लगे मुझे चंगा होने के लिए। मुझे फिट्स पड़ते थे, मेरा घराना इस बात को जानता, रोज डेली मुझे दौरा पड़ता था, मेरी जीभ कट जाया करती थी, मेरे मुंह से झाग निकलती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जीभ जब कट जाया करती थी, मम्म पापा का शब्द बदल गया, पोवो इस तरीके से मैं बोलता था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जगह जगह मेरे माता पिता मुझे लेकर गए, जगह जगह उन्होंने पूछा क्या मेरा बच्चा चंगा हो सकता है। मेरे पापा ने PGI 32 के हॉस्पिटल, 16 के हॉस्पिटल, लोकल प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा जाकर पूछा क्या मेरा बच्चा चंगा हो सकता है। प्रत्येक डॉक्टर ने एक ही बात बोली, इसके अंदर जो बीमारी है सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, इसको जो दौरा पड़ता है इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई खाते रहो तो ये ठीक रहेगा, अन्यथा ये बीमार की हालात में मर सकता है। मेरी माता, मेरे पिता यहीं बैठे हैं, मेरी मां मेरे यीशु के पास स्वर्ग में है, मेरी बहन यहीं बैठी है, मेरे कई रिश्तेदार यहां बैठे हैं जो जानते हैं कि मैं कैसा था। मेरे परिवार के अंदर जो अच्छी पोस्ट रखते हैं वो लोग बोलते हैं, देखो ये व्यक्ति, पागल व्यक्ति कहां से कहां चला गया, मेरा ब्रेन काम नहीं करता था। डॉक्टर्स कहते थे ये अच्छा काम कभी भी दिमाग से नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने आकर बताया एक है जो आपके बच्चे को चंगा कर सकता है, बिना पैसे के, बिना रुपए के, बिना किसी बड़े बलिदान के एक है वो चंगा कर सकता है। मेरे माता पिता ने पूछा वो कौन है, और उन्होंने कहा यीशु मसीह। उन्होंने कहा यीशु मसीह, और मेरी मां यीशु का नाम सुनकर दिमाग में आ गया, हो ये तो धर्म बदलते, दिमाग में आ गया यीशु, फिर नहीं असी जा सकते जी, ऐ करो तुसी ना, साडा मुंडा बीमार भी यही है, इनू ले जाओ। मुझे गले बैंगन की तरह इनू ले जाओ जी। कारण क्या था, मेरी मां नहीं जानती थी यीशु कौन है, मेरे पापा नहीं जानते थे यीशु कौन है, लेकिन मैं भी नहीं जानता था यीशु कौन है। उस बहन ने बोला आप आओ तो सही, एक बार आप विजिट तो करो, एक बार आप हमारे साथ चलो तो सही। मेरी मां कहती इसको ले जाओ जी, हम तो जाते नहीं, साफ सी बात। पापा से बाबा कोई नहीं ठीक है, इसको एक बार ले जाओ, चंगा हो गया तो ठीक है। और मैं मीटिंग में जाने लगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखने लगा कि यीशु को मानने वाले लोग चंगे हो रहे हैं। लोग मुझसे बाद में आते, मेरे द्वारा आते और चंगे हो जाते। मैं सोचता परमेश्वर मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं, सब चंगे हो रहे हैं। 3 साल मुझे यीशु पर विश्वास करते हुए हो गए, 3 साल तक मैं यीशु पर विश्वास करता 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 आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, इतना आगे बढ़ गया कि मैं बाइबल पढ़ने लगा और मेरे दिमाग में एक ही बात उठने लगी। और क्या उठने लगा, मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु आप मुझे चंगा नहीं कर रहे, डोंट वरी। थोड़ा सा मेरी बीमारी में फर्क पड़ गया था, लेकिन मैं चंगा नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन मैंने एक जगह पर घुटने टेक कर बोला प्रभु आप मुझे चंगा करें या ना करें, लेकिन मैं एक बात बाइबल पढ़कर समझ गया हूं कि आपके सिवाय कोई धरती पर परमेश्वर है ही नहीं है। जैसे ही मैंने यह बात बोली, उस दिन से लेकर आज तक आपके सामने मैंने दवाई नहीं खाई, मैं चंगा हूं।
हो सकता है कोई सोचे तो मनगढ़ंत कहानी सी लग रही है ये ऐसा कैसे हो सकता है यार। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा परिवार यहीं बैठा है, हरियाणा से बहुत से लोग यहां आए हुए हैं, जो यहां बैठे हैं, जिस बात के गवाह हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस दिन से आज तक बिना दवाई के जी रहा हूं। मुझे याद ही नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास कब गया था, भले ही मैं पीजीआई के अंदर ही रहता हूं, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर के पास मिलने जाता हूं, बात करने जाता हूं, लेकिन एक डॉक्टर के पास हमेशा रहता हूं, उसका नाम डॉक्टर जीसस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है यदि आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है अब हम तीसरे पुरुष के बारे में, तीसरे ऐसे अच्छे लोगों के बारे में सीखेंगे जो पहले 2 प्रकार के लोग यीशु के पास आए, सामर्थ्य प्राप्त किया उन्होंने आशीष को। और तीसरे कौन से थे? प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसकी 3 आयत से 5 आयत तक लिखा है चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतराया, और पवित्र आत्मा जब उतरा तो पवित्र आत्मा बोलता है, क्योंकि वहां पर बात चल रही थी कि हमें खाना बनाने वाले लोग चाहिए, पत्रस ने बोला मैं सुसमाचार छोड़कर खाना थोड़ा बना सकता हूं, तब पवित्र आत्मा उतरता है, उन्होंने प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का माहौल बन गया, पवित्र आत्मा उतरता, पवित्र आत्मा बोलता है अपने में से 7 पुरुष जिनकी गवाही अच्छी हो, जो प्रार्थना करते हो, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते, जिनको कहा गया सुनाम, अपने में से 7 सुनाम पुरुष चुन लो जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उनको अलग करो। आप धन्य हैं आज जिन आप सबके लिए जो खाना तैयार कर रहे हैं वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, सुनाम है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? फिर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे तो 24 आयत में यूं लिखा है बरनाबास पवित्र आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण था, यानी कि 7 लोग पवित्र आत्मा और विश्वास से भरे हुए थे। बरनाबास विश्वास से भरा हुआ था, कोढ़ी व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ था, और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, और 12 साल से जिस औरत का रक्त बह रहा था वो अपनी बीमारी से, अपनी अशांति से, अपनी दुख तकलीफ से भरी हुई थी, लेकिन जैसी वो यीशु के पास आती है और वो कहती थी मन में, लोग तो इसके छूने से चंगा होते हैं, वो अपने मन में कहती थी या जिस दिन मैं इसके केवल पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त यीशु बॉडी में थे, परमेश्वर की सामर्थ उस बॉडी में काम करती थी, उस वक्त में परमेश्वर को एक बॉडी चाहिए थी, वो बॉडी का नाम यीशु था। किस किस को सुनाई दे रहा? आज भी परमेश्वर यीशु मसीह को बॉडी चाहिए, और जो आपके बीच में माइक के ऊपर ऊंची आवाज में चिल्ला रही है ये बॉडी, आपके बीच में ऊंची आवाज में चिल्ला रही है ये बॉडी और कह रही है वो बॉडी मैं हूं और मुझ में यीशु काम करता है। आमीन। यीशु के छूने से कोढ़ी चंगे हो जाते थे, यीशु के कहने से लोग चंगे हो जाते थे, यीशु के देखने से दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी। आज पिछले 27 साल से अब तक 6 मुर्दे मेरे जीवन के द्वारा जिंदा हो चुके हैं। कोई विश्वास करे या ना करे, एक तो ऐसा मुर्दा जिसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया, डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया, लेकिन जैसे वो जिंदा होगा डॉक्टर ने बोला अपना सर्टिफिकेट हमारे पास लेकर आना, हमें कुछ करना है, तुरंत उन्होंने फाड़ दिया, ये तो जीवित हो गया। डॉक्टर्स को मालूम था ये जीवित हो गया है, और अगर इन्होंने हम पर केस कर दिया तो हॉस्पिटल को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि
जिसका बच्चा चंगा हुआ था, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वो वकील था। घबरा गए वो। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, भले उस व्यक्ति ने कुछ नहीं करना था, वो अलग बात है, उसको तो अपने बच्चा चाहिए था और बच्चा उसका ठीक हो गया, समझ पा रहे हैं? और उसके अंदर तो उस समय एक ही लगन थी कि मैं जा जाकर लोगों को बता दूं यीशु चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज भी वो यीशु आपके बीच में आना चाहता है, आज भी वो यीशु आपको छूना चाहता है, आज भी वो यीशु आपको चंगा करना चाहता है। भले आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, यीशु छुटकारा देने की सामर्थ रखता था, रखता है और रखता रहेगा। आमीन। वो चारों प्रकार के लोग यीशु के पास आकर कुछ तो दुष्ट आत्मों से आजाद हुए और उसकी सामर्थ से भर गए, और कुछ पहले ही पवित्र आत्मा और विश्वास से भरे हुए थे और ज्यादा सेवकाई की सामर्थ से भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप भी बहुत से लोगों को अपने साथ लाए होंगे। आपने कहा होगा एक बार तू चल, एक बार तू चल, और तू चलकर एक बार सरमन सुन तो सही, आज का सरमन तेरे हृदय को तोड़ देगा, आज का सरमन तेरे जीवन को बदल देगा, आज का संदेश तेरी आत्मा से बातचीत करेगा, आज का संदेश तेरे ऊपर सामर्थ को उंडेलेगा, आज वही यीशु जिसको मैं मानता हूं वही यीशु तुझे भी छू लेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लोग मुझे पागल कहते थे, लोग मुझे बेवकूफ कहते थे। मैंने सोचा मैं जब प्रभु में आ जाऊंगा तो लोग मुझे पागल कहना बंद कर देंगे। मैंने सोचा शायद जब मैं प्रभु में आ जाऊंगा तो लोग मुझे अपशब्द इस्तेमाल करना मेरे लिए बंद कर देंगे। लेकिन बंद नहीं किया, बढ़ गया। जो मेरे साथ प्रभु में आ गए उन्होंने तो बंद कर दिया, लेकिन बाकी लोग मुझे जानने वाले बढ़कर लोगों ने बोला बेवकूफ है यार, ओ इसका दिमाग सटराता, इसका दिमाग संतुलन में नहीं है, इसका दिमाग सटरा गया है। ओ बापा जी ये तो दिमाग खराब करेगा, चल 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 हेलो चल। मैंने आज भी याद है, मैं पंचकुला के अंदर गड्डी के अंदर सीखा इनोवा दी, और मैंने परमिशन ने किया इस बस दे बीच चढ़ जा, और इस बस नू दस में कौन, और मैं इनोवा गड्डी च उतरा, वाइट ड्रेस पाई भी, और मैं गड्डी च उतरा, उतर के मैं बस दे बीच चढ़ गया, और जिम्मे में बस दे बीच चढ़िया, अपनी गड्डी तो उतरा, बस से चढ़ गया, और बस दे बीच चढ़ के बोलने लगा, मैं आज आप लोगों को पेन बेचने नहीं आया, मैं आज आपको पेंसिल बेचने नहीं आया, मैं आज आपको रबड़ बेचने नहीं आया, मैं आज आपके पास कोई अलग अलग प्रकार के मटेरियल लेकर नहीं आया, लेकिन मैं एक नाम लेकर आया, उसका नाम यीशु है। भाई साहब इतना सुनते ही लोग मुझे धक्के मारने लगे, चल चल चल, मुझे धक्का मारा, मुझे नीचे उतार, नीचे उतारा, लेकिन मेरे मुंह पर उदासी नहीं थी, खुशी थी। मुझे नीचे उतार दिया एक बहुत एजुकेटेड आदमी, एक गाड़ी से उतरता है, मेरे पास आता है और मुझे आके बोलता, नीचे से ऊपर तक देखो तो आप बस मार्ग हैं, किसमें आए हैं? मैंने बोला गाड़ी में। कौन सी गाड़ी? उन्होंने मेरी गाड़ी देखी तो कहे तो बाप यार बहुत महंगी गाड़ी में है आप तो फिर ये जो काम आप कर रहे हैं आपको शर्म नहीं आती? आपको लोगों ने धक्का मारा, आपको फील नहीं हुआ? मैंने बोला मैं जो धक्का खा रहा हूं मैं तो इस धक्के को सहन कर लूंगा, लेकिन जो धक्के इस बस में बैठने वाले लोगों को पड़ने वाले हैं ये उन धक्कों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो धक्के नरक के होंगे, वो धक्के अंधकार के होंगे, वो धक्के शैतान के होंगे, वो धक्के बीमारियों के होंगे, वो धक्के शैतान के अंधकार की युक्तियों के होंगे। और उस व्यक्ति ने यह बात सुनते ही मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने दे दिया और उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर बुलाया और मैंने उसको यीशु के बारे में प्रीच किया। ध्यान से सुनिए, वो कांग्रेस पार्टी का नेता था,
और उस व्यक्ति ने एक ही बात मुझे कही, दिल को चीर गई आपकी ये बात। मैंने उनसे कहा, ये बातें मेरी होती तो आपके दिल को न चीर पाती, ये बातें उसकी है जो दिलों को छूकर चंगा करता है, जो दिलों को छू लेता है, जो लोगों को दीवाना बना लेता है, जिसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं, जिसके पीछे लोग चिल्ला कर जाते हैं, यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, आज यीशु आपको छू लेना चाहते हैं। जैसे मैं स्थान को छोड़कर नीचे आया, ऐसे ही यीशु स्वर्ग को छोड़कर नीचे आए हैं। जैसे मैं आपको छूने के लिए तड़प रहा हूं, ऐसे यीशु आपको छूने के लिए तड़प रहे हैं। आमीन। हो सकता है आज की मीटिंग किसी के लिए बेवकूफी मानी जाए, हो सकता है आज की सभा किसी के लिए पागलपन माना जाए, लेकिन यीशु स्वर्ग से देखकर कह रहे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, समझदार लोग लाइन पर बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, समझदार लोग खड़े हैं, और ये लोग आज आशीष पाकर प्राप्त कर अपने घर की ओर रवाना होंगे। आज आशीष इनके जीवन में काम करेंगी, आज आशीष इनकी आंखों में होंगी, आज आशीष इनके पाँवों में होगी, आज आशीष इनके मुंह में होंगी, आज आशीष इनके जीवन में होंगी, आज आशीष इनके भविष्य में आने के लिए तैयार हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति सन 2002 में जब मैं अपने घर को छोड़कर निकला तो ये व्यक्ति मुझे मिला, और मैंने इस व्यक्ति को कहा, यीशु ही प्रभु है, और इसने भी कह दिया, यीशु मसीह प्रभु है। सुनते ही बोल दे, यीशु ही प्रभु है। तब से लेकर आज तक ये व्यक्ति मेरे साथ है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ खोना होगा। मैंने बहुत कुछ खोया और मैंने अपने पापा को पा लिया। आज मेरे पापा मेरा राइट हैंड है, मेरे साथ खड़े हैं। कभी का समय था ये कहते बेवकूफ है यार, जा यार दिमाग खराब ना कर, मैं पापा को बोलता, पापा एक दिन आएगा, देखना एक दिन आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक घुटना झुकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। आज ये सुबह 4 बजे उठकर कहते हैं यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं, कौन है ये, कौन है ये? मैं एक और किसी औरत की तरफ जा रहा हूं। ये वो औरत है जिसने बहुत विरोध किया यीशु मसीह, सब बकवास है, कुछ भी नहीं रखा, ये पागल बना रहे, मेरे भाई भी पागल हो गए, ये विनोद तू खुद तो पागल, सबको पागल कर देगा। अलग अलग प्रकार के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आज वही औरत कहती है यीशु के सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। मालूम क्यों? मरता क्या ना करता, पापा के हार्ट में प्रॉब्लम आ गए। पापा बोलते, भाई विनोद को खोल लगाओ, उसी के पास एक है जो मुझे चंगा कर सकता है। मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, पापा को कोई चंगा नहीं कर सकता था, क्योंकि इनके मरने का समय निकट आ पहुंचा था, लेकिन इन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। इन्होंने मेरी प्रार्थना पर नहीं, मेरे मुंह से निकलने वाले यीशु के शब्दों पर विश्वास किया और अपना जीवन 68 साल की उम्र में यीशु को दे दिया। आज 73 साल के हो गए, जीवित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 73 साल के लगते हैं? आप में से किस किस को ये 73 इयर्स के लगते हैं? किस किस को लगते हैं? किसी का हाथ ऊंचा नहीं है पापा, सबके हाथ नीचे हैं। इसका मतलब ये आज भी बुढ़ापे में नहीं है।
सुनिएगा, आज यीशु आपसे क्या कहना चाहता है। आज यीशु आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपने केवल मजाक में भी कह दिया हालेलुया वाले आ गए, आपने मजाक में भी कह दिया हालेलुया हालेलुया, देखो आपने मजाक में भी कह दिया, तो मेरे दोस्तों की तरह आप भी बदल जाएंगे। किस किस को समझ आ रही है? मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, हालेलुया वाला आ गया, देखो हालेलुया, देखो देखो हालेलुया हालेलुया, मजाक उड़ाया। आज यीशु के दीवाने हैं वो। आज मेरे पास फोन करके पूछते भाई जयमसी की, हाँ भाई जयमसी की, ओ भाई मुझे माफ करना यार, मैंने बड़ा गंदा बोला यीशु के बारे में। डोंट वरी, मुझे बता तू बदला कि नहीं बदला। हाँ मैं बदल गया, अब तो मैं यीशु का हूँ। आपको बहुत से लोग दिखाई दे रहे होंगे, आपको बहुत से लोग दिखते होंगे और आपको अगर छेड़ते होंगे, आपका मजाक उड़ाते होंगे, आपका ठट्ठा उड़ाते होंगे, आपको अगर कहते होंगे यीशु को मानता है, जा जा बकवास ना कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, और जा जा बेटो कुछ थप्पड़ ना खाली, हो सकता आपका मजाक उड़ाते होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 27 साल हो गए इन कानों को ये बातें सुनते हुए और ये कान यीशु के लिए पक गए हैं। 6 बार मार खाई मैंने, कितनी बार? मारने वालों ने सोचा अब तो मर गया हो, मेरी पीठ में पंच लगा हुआ है, पीछे से अगर आप मैं कमीज उठाऊं तो आप हैरान होंगे, पैसे नहीं होते थे जेब में, बुरा हाल था मेरा, लेकिन दुनिया की नजरों में बुरा हाल था, फटी पेंट में भी मैं राजा की तरह जिंदगी जीता था। ये सब बकवास है, ये सब वेस्ट है, लेकिन ये वेस्ट को पहनने की ताकत परमेश्वर आपको देता है, तो समझ जाइए उसका ग्रेस है आपके ऊपर। आमीन। मेरा चर्च यही है, चर्च अपना हाथ उठाए, देखो आपका अंगीकार, देखो आपके अंगीकार में कितनी सामर्थ है। देखो आप छोटी सी जगह पर चिल्लाते थे, आप छोटी सी जगह पर चिल्लाकर कहते थे एक दिन यीशु हमें अपनी लैंड देगा। आप में से बहुत से लोग चिल्लाए रोए खुदा बाप एक दिन हम भी रेंट को छोड़कर अपनी लैंड पर जाएंगे। आज देखो वो दर्शन जो कई साल पहले मुझे परमेश्वर ने दिखाया वो पूरा हो गया। मैं बता नहीं सकता इस लैंड के ऊपर आज मैं पहली मीटिंग लेकर मैं इतना आनंद और जय महसूस कर रहा हूं। आप देख रहे हैं वो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, मुझे सूर्य नहीं मुझे स्वर्ग दिखाई दे रहा है। आमीन। और राबा आप ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये जितने यहाँ खड़े हैं इनमें से कई जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ये भीड़ जितनी यहाँ बैठी है इनमें से बहुत से लोग बड़ी बड़ी कास्ट के हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें कास्ट में जीना नहीं सिखाता, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें जात पात में जीना नहीं सिखाता, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें एक साथ कोई भी बिरादरी का हो किसी भी रंग का हो एक साथ चलना सिखाता है। आमीन। आपको जो भी बीमारी है कुछ भी है आप किसी भी जगह के, मुझे मालूम आप में से बहुत से लोग अलग अलग जगह से आए हैं, आप में बहुत से ऑफिसर भी बैठे हैं, मुझे मालूम है। पिछले दिनों में मेरे पास एक मैसेज आया, वो एमसी थे, उन्होंने कहा सर मैंने आपकी कई मीटिंग्स अटेंड की है और आपकी मीटिंग्स के अंदर मुझे एक ही बात सीखने के लिए मिली। मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला जीरो बन जाओ तो वो हीरो बनाएगा। मेरे नाम के आगे हर बात में जीरो जीरो जीरो,
मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। हर नाम के, मेरे हर नाम के अक्षर के आगे जीरो 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 थी, लेकिन यीशु, केवल यीशु। ऊंचा बोले कौन? केवल यीशु, केवल यीशु। एक बनकर उन जीरों के आगे खड़ा हो गया, सब कुछ ही बदल गया, सब कुछ अनोखा हो गया। रेबे शिखरे थे, आज वो यीशु आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, डर मत। मेरी बच्ची, हो सकता है तू भी उस 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था उसकी तरह परेशान हो गई हो, सारा पैसा खत्म हो गया, और तू सोच रही होगी कि परमेश्वर मैं अब क्या करूं। कई बार हमें फोन आता है, मेरे पास सैकड़ों मेल आती, सर आप कितना पैसा लेते हैं? मैंने उनसे पूछा, आपने फिर मेरा चैनल नहीं देखा? नहीं सर, 2 महीने हुए देखते हुए, पहले 2 महीने और देखिए फिर आने की तैयारी कर। उन्होंने 2 महीने और देखा और वो कहते हमें आना ही आपके पास है। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरी बात को विश्वास कीजिएगा, आने वाले समय में यही लैंड बड़ी होने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को इतना ब्लेस कर देगा, इतना शिक्षित कर देगा, इतना शिक्षित कर देगा कि आप देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आमेन।